ये लाइट इफेक्ट नहीं कर रही यार, इसको बंद करें ना, वो चलाएं ना ये लाइट। वेद के थे भाई, वेद किधर है? इस लाइट की तो बंद करना यार, ये लाइट नहीं चलनी। मैं इसकी बंद कर लूँ। हाँ जी, हो गया। नहीं आ रहा हूँ। इस लाइट अंके हुए यार, इस लाइट की के हुए चल फिर ठीक है, फिर अच्छे से चला सकते। ये तो चलाई शुरू कर। शुरू कराएं? मोहम्मद अली, आप उसके दाएं से शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। हमारे पास मैंने पिछले दो तीन जो लेक्चर हैं, हम एक जनरल व्यू ले रहे थे कि
हमें क्विकली कैसे शिनाख्त करना है और कैसे पहचानना है कि जो बंदा जो पेशेंट हमारे पास आया है इसको क्या बीमारी हो सकती है, और बड़ा क्विकली करना है, और मेरे हिसाब से तो विद इन अ मिनट आपको डिसाइड करना है कि इसको क्या हो सकता है। उसके लिए मेरी बड़ी लंबी स्टडी थी, बड़ा मैंने इस पर काम किया हुआ था। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा था, और आज हम पहुंचे हैं, पीछे हमने 12 से 18 साल तक किया था। यार गल सुन रही थी, इसकी थोड़ा सा पीछे आवाज़ नहीं जा रही थी। तो हमने 12 से 18 साल तक का किया था, आज हम करेंगे जो इसका थर्ड फेस है, 18 से 40 साल का अरसे का बंदा अगर आपके पास आता है तो आपने क्या असेस करना है कि इसको क्या हो सकता है, तो बड़े क्विकली करना है, और वो होना भी दुरुस्त होना चाहिए, ये नहीं कि। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में जो करता हूँ वही मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं कितना जल्दी अगर उस पर अप्रोच करता हूँ और उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो वही एक्सपीरियंस वही नॉलेज आपसे मैं शेयर करूँगा। उससे पहले जैसे रूटीन में हमारे लेक्चर के दो बड़े हिस्से होते हैं, जो नए लोग जहाँ बैठे हैं, एक हम डायग्नोसिस बनाते हैं और उस डायग्नोसिस में हम क्या देखते हैं, पैथोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम ट्रीटमेंट को देखते हैं, जिसमें हम थेराप्यूटिक्स होता है हमारे पास, मटीरियल मेडिका होता है, और उसमें ऑर्गेनन होता है। ऑर्गेनन वो बुक है जो अनिमन ने असूल होम्योपैथी, जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, असूल लॉ जो उसने कानून जो बनाया होम्योपैथी का, वो उस बुक का नाम है, और उसी का कोई ना कोई एक प्रोजम जो है सीक्वेंस से हम उसको डिस्कस करते हैं, ताकि वो बता, इसमें वो बताता है कि आपने अपने इलाज कैसे करना है, चाहे आपके पास एनाटॉमी का भी नॉलेज है, आपके पास फिजियोलॉजी का भी नॉलेज है, आपके पास पैथोलॉजी का भी नॉलेज है, आप बहुत अच्छा मटीरियल मेडिका भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी के जैसे कुछ असूल होते हैं, हम कैसे रहते हैं शहर में, कैसे रहते हैं एक मुल्क में, हम कैसे रहते हैं एक माशरे में, सोसाइटी में, ख़ानदान में, हमारा गुजर बसर कैसा होता है, उसके कुछ असूल होते हैं, हम उनसे बाहर नहीं जाते। वही कानून उसने टिप के लिए भी बनाए और स्पेशली होम्योपैथी के लिए भी बनाए कि इन कानून को आपने फॉलो करना है, और अगर इससे इधर उधर हो गए तो आप भटक जाएंगे। मसलन आपको ये बताया जाता है कि ये जो मरी रोड है ये यहाँ से शुरू होती है और ये टिल वहाँ तक जाती है, और इससे इधर उधर हो गए तो फिर आप मरी नहीं पहुँच सकते, आप कहीं और निकल जाएंगे। तो ये असूल और कानून बनाने के, जाब्ते बनाने का मकसद है कि अगर जाब्ते आप तोड़ेंगे तो फिर आप गुमराह होंगे, आप बेरारवे होंगे और आप गलत कुछ कर देंगे। लिहाजा ये जाब्ते, ये कानून जो हैं वो बड़े सोच समझ के उसने बनाए हैं, और वो आज तक भी बड़े परफेक्ट हैं। तो इसलिए इन कानून को समझना भी आप बेहतर इलाज कर सकते हैं। आप सारी चीज़ें जानने के बावजूद, आपको मटीरियल का पता है, आपको पैथोलॉजी का पता है, लेकिन अगर आप असूल का इलाज नहीं जानते, इलाज के कानून से अपना वाकफ है, तो फिर आप परफेक्ट इलाज नहीं, कब मेडिसिन दुरानी है, कब नहीं दुरानी, कौन सी पोटेंसी देनी है, कौन सा सोर्स ऑफ मेडिसिन पहले इस्तेमाल करना है, मेडिसिन की सोर्स कौन से हैं, कोई शॉर्ट एक्टिंग है, कोई डीप एक्टिंग है, मरीज़ की हाल अहवाल कैसे लेना है, केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, तो ये सारे मामलात उसने ऑर्गेनन में डिस्कस किए, और ये आज हमारे पास है 109 एफ्रोजम है उसके, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे 109। आवाज पीछे आ रही है, वो ये कहता है कि
मैं ही था, अब लोगों से डिफरेंशिएट करता है कि मैं ही वो शख्स था, मैं ही था जिसने पहली दफा ये रास्ता अख्तियार किया। वो अपने से पहले सारे लोगों को कहता है कि ये जो पहले मुझसे लोग थे जो इलाज कर रहे थे, जो टूटा फूटा जैसे भी कर रहे थे, ये दुरुस्त रास्ते पे नहीं थे। मैं ही वो था जिसने ये रास्ता अख्तियार किया, जिसे मैंने बहुत साबित कदमी के साथ तलाश किया, और ये इस वक्त मुमकिन था जब ये यकीन हो कि ये रास्ता इंसानियत के लिए भलाई से भरा हुआ है। वो कहता है कि जब मुझे यकीन हो गया कि यही वो दुरुस्त रास्ता है, तो फिर मैंने ये रास्ता इख्तियार किया और बड़ी साबित कदमी से, बड़ी मजबूती से अपने इरादे को मुतजलजल नहीं होने दिया, क्योंकि उस वक्त आज जो मसाइल हैं वो कुछ मसाइल नहीं हैं, उस वक्त इसके लिए बड़े मसाइल थे कि एक सिस्टम आज आप इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कहीं रजिस्टर नहीं है, जो कोई हुकूमत नहीं मानती, कोई दुनिया नहीं मानती, WHO नहीं मानता, तो उसको दुनिया के सामने मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे आप कोई आप में से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा देता है, कोई पैथी इंट्रोड्यूस करा देता है, तो उस पैथी को दुनिया में साबित करना, इंट्रोड्यूस कराना, उसको कामयाब करना इतना आसान काम नहीं था। लिहाजा उसने कहा कि मैंने बड़ी सोचा, बड़ा समझा, और फिर बड़ी मैंने यही जाना कि असल दुरुस्त रास्ता जो है वो यही है, लोगों का इलाज करने का। वो ये कि इंसानी बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही कर सकती है। उसने कहा कि मैंने पहला आदमी मैं हूं दुनिया में जिसने ये रास्ता अख्तियार किया, मुझसे पहले किसी ने ये रास्ता अख्तियार नहीं किया। इसका मतलब है कि पहले तमाम इलाज को जितने भी उस वक्त राजल वक्त थे उसको वो कंडम करता है। कंडम इसलिए करता है कि वो खुद भी एक एलोपैथिक डॉक्टर था और वो इस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं था, और उस वक्त और आज तक वही पॉपुलर सिस्टम है जिसको उसने कहा कि मैं इसको कंडम करता हूँ। और मैं आपको ये 150 जो साल का आरसा गुजरा है, 160 साल का, ये जो सिस्टम हमारा सरवाइव कर रहा है, जिसमें किसी गवर्नमेंट की कोई पैटर्नाइजेशन नहीं है, सरपरस्ती इसको हासिल नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे कोई पैटर्नाइजेशन इसको हासिल नहीं है, रिकग्नाइज उसने गवर्नमेंट ने कर लिया, दुनिया के बेशुमार मुल्कों ने, WHO वाले ने भी कर लिया है। आपको पता है दुनिया में 3 सिस्टम WHO ने रिकग्नाइज किए हुए हैं, जिसमें एक होम्योपैथिक भी है, एक एलोपैथिक है, और एक तिब्बत यूनानी है। बाकी उसने दुनिया में बाकी आपको पंक्चर फलाना कोई सिस्टम रिकग्नाइज नहीं है WHO ने के पास। तो ये सिस्टम हुकूमती लेवल पे इस पे सिर पर हाथ कोई नहीं रख रहा, मानते सब हैं लेकिन सरपरस्त नहीं बनते। आज के वजीर भी है ना, उसकी भी जेब में देखे तो होम्योपैथी की गोली पड़ी होगी, और चपरासी की जेब में भी पड़ी होगी। अल्लाह जर्नैल से लेके सिपाही तक इलाज सारे करवाते हैं, लेकिन इसके सर पे हाथ कोई नहीं था, ये खुद ब खुद चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि इसकी अफादियत को माना जाता है, इसकी अफादियत को माना जाता है। इसका मतलब है हनीमन जो बात कर रहा है वो बात बड़ी सच्ची है। मैं 88 से प्रैक्टिस में हूँ, और मैं इस अरसे में मैंने जो देखा, मेरे पास बेशुमार मेरे एलोपैथिक डॉक्टर भी दोस्त हैं, हमने बड़ा काम किया, उनसे मिलके भी बड़ा काम किया, हमने बीमारियों को बड़ा समझा, उसके इलाज, लेकिन मैं भी इस नतीजे में पहुँचा हूँ आज कि इससे बेहतर दुनिया में कोई तरीका नहीं। हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार हम दीवार के साथ लग जाते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
हम हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, और जो ऑप्शन उनके पास है वो ऑप्शन मुझे भी पता है कि उनके पास क्या ऑप्शन। उसके बाद वाई एक दुनिया में निज़ाम ऐसा है, या फिर दवा है या फिर होम्योपैथी है, या फिर अल्लाह के पास दवा है। और उसके बाद अगर कोई सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो है होम्योपैथी। और यही बात वो कह रहा है कि मैं सच्चा था, मैं डिफरेंट हूँ, मैं वाई वो आदमी हूँ जिसने इस सच्चाई को जाना, जिस तरह वली पैगंबर आके अपना नबुवत का दावा करते हैं ना कि मैं वो सच्चा हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मेरे पहले लोगों ने ये किया और मैं इस वजह से मैं सच्चा हूँ। तो ये भी अपने पिछले जितने फरोजों में इसने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और आखिर इस फरोजों में आके ये कहता है कि नहीं, ये मैंने स्टेप इसलिए उठाया कि मैं ये सच्चा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के लिए यही बेहतर रास्ता। ठीक है जी, हमने फीटस माँ के पेट से बच्चे का इलाज करना शुरू किया। हमने कहा कि एक पैदाइश तक, पैदाइश से एक साल तक, एक साल से दो साल, 12 साल तक, 12 से 18 साल तक हमने किया, और आज हम करेंगे 18 से 40 साल। 18 से 40 साल का बंदा आपके पास अगर अपीयर होता है एज ए मरीज, तो आपने क्विकली क्या डिसाइड करना, कैसे उस तक पहुंचना है कि इसको क्या हो सकता है। कम अज कम 90% से अबव आपको पहुंच जाना चाहिए। 10% वो डिजीजेज होंगी जो कॉमन नहीं होंगी, वो एक्सेप्शनल होंगी, वो रेयर होंगी, लिहाजा उसके अगले मिनट के बाद हम उस पर सोच सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो उसको क्या हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो मैं डिस्कस करूंगा यही होगा आप एक्सपीरियंस करें। 18 साल से 40 साल का बंदा आएगा तो पहला क्वेश्चन क्या रेज होता है कि वो मेल है या फीमेल। वो तो आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, उसकी अपीयरेंस से आपको अंदाजा जाएगा कि मेल है या फीमेल है। लिहाजा वो आपके जो 2 सेकंड या 5 सेकंड है वो ज़ाया नहीं होंगे, आपने डिसाइड कर लेना कि ये मेल है या फीमेल। अब मेल है या फीमेल है तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ आके। इससे पहले तो हमने मैरिड एंड मैरिड का क्वेश्चन रेज नहीं किया था 12 से 18 साल तक, लेकिन यहाँ हम ये क्वेश्चन रेज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू मैरिड और अनमैरिड, कि आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं। तो यहाँ से दो राय आपके लिए, अगर शादीशुदा है तो उसके और मसाइल होंगे, और अगर अनमैरिड है तो उसके और मसाइल होंगे। फिर शादीशुदा है तो अगला क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइज है, बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं। फिर और डिफरेंशिएट हो जाएगा, बच्चे हैं, आपने कुछ नहीं, मरीज ने आपको कुछ नहीं बताना, आप उससे एक सवाल अपने पहला किया कि मैरिड और अनमैरिड, उसने कहा जी आई एम अनमैरिड, तो रास्ता अलहदा हो गया। उसने कहा जी मैरिड, तो आपने अगला सवाल करना कि बच्चे हैं या बच्चे नहीं। अगर तो बच्चे हैं तो फिर उसके मसाइल और हैं, और अगर बच्चे नहीं है तो मतलब इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है। बच्चे नहीं है तो अगला सवाल यह बनता है कि क्या शादी को अरसा कितना गुजर गया। अगर तो 2 साल से अरसा ज्यादा गुजर गया तो आपका फौरन दिमाग जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का केस है। क्लियर होता जा रहा है ना आपको, मतलब तीसरे क्वेश्चन पे आप क्लियर हो जाते हैं कि मैंने क्या ट्रैक बनाना है, क्या जहन बनाना है, मैंने किधर चलना है। वो आगे वो कहानी, अब होता ही है कि मरीज, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि मरीज आता है, डॉक्टर हाँ जी आपको क्या तकलीफ है, उसने कहानी शुरू कर देनी अल्लाह बे की, लैला मजनू की, ना ख़त्म होने वाली कहानी, ना ख़त्म होने वाली कहानी होती पेशेंट के पास, और उसका कोई सर पार भी नहीं होता क्योंकि वो तो है इनोसेंट आदमी।
उसको तो नहीं पता कि मैंने डॉक्टरों की कौन सी चीज़ बतानी है, मैंने डॉक्टरों से कौन सी चीज़ छुपानी है और कौन सी ज़रूरी है कौन सी ज़रूरी नहीं है। अब उसने शुरू करना, मेरे दादा को यह था, मेरे बाप को जब मैं सर जी कम मैं करता हूँ, मैं टायरों का कम करता हूँ, मैं पंचर लाना कहानियाँ करेगा, मैं उठे गया हूँ, मैं फलाने को गया, वो लंबी कहानी है बरसों पर मेरी स्टोरी। आपने उससे मौका ही नहीं देना, फर्स्ट क्वेश्चन का नाम पूछना है और उसके बाद आपने पहला क्वेश्चन मैरिड अनमैरिड का करना इस स्टेज में। उसने कहा ना जी मैं अनमैरिड हूँ, तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। फिर उसने कहा कि जी मैं तो मैरिड हूँ, फिर हम इस तरफ आ जाएंगे। फिर हमने अगला क्वेश्चन, हमने इसकी तरतीब बनाई हुई है। अब वो कहेगा जी मैं मैरिड हूँ, मैरिड के बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे। अगर बच्चे हैं तो बच्चे जनने की बाद की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी आप, बस उसको यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, उसके कमर में दर्द हो सकता है, उसको लकोरिया हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसके वो मसाइल की तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। और अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर हम उस पर इनफर्टिलिटी का सवाल करेंगे कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कराई है या नहीं कराई। और उससे अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके मियाँ की इन्वेस्टिगेशन, मियाँ की इन्वेस्टिगेशन, उसकी बीवी की इन्वेस्टिगेशन, फिर दोनों पे आप जाएंगे ना कि दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी बच्चे पैदा नहीं हो सकते ना, हो सकता है मेल में डिफेक्ट हो और हो सकता है फीमेल में डिफेक्ट। तो फिर अगला क्वेश्चन आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि मेल का प्रॉब्लम है या फीमेल का प्रॉब्लम। तो इस सफर में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक मिनट से पहले ये पूरा हो जाएगा, एक मिनट से पहले ये पूरा हो जाएगा। और अगर 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 आप ये समझते हैं कि ये सारे मामलात बिल्कुल ही ठीक है, तो फिर और भी बड़े मामला, इमोशनल मामला हो सकते हैं। हमने मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोई इनफर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैरिटल लाइफ नहीं है, फिर क्या क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चंस होंगे, फिर नारकोटिक्स पे क्वेश्चन होगा, क्या कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ करता, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है, इमोशनल की तरफ हम जाएंगे, इमोशंस की तरफ जाएंगे ना, क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, क्या कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर वो क्वेश्चन अलग रेज होंगे। लेकिन पहले प्रॉब्लम ये आएंगे, वो सानवी क्वेश्चन है आपके बनेंगे, वो भी हम रेज करेंगे, कहाँ कहाँ रेज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, उसने कहा जी मैं अनमैरिड हूँ, तो हमने फिर इस तरफ का कहानी शुरू किया, अनमैरिड है तो क्या हो सकता है, मेल को हम जज करें ना, मेल है या फीमेल, अब मेल है अनमैरिड है उसको क्या हो सकता है, उसकी मास्टरबेशन हिस्ट्री हो सकती है, मास्टरबेशन हो सकता है, उसको नाइट एमिशन हो सकती है, उसको सेमिनल एमिशन हो सकती है, उसकी लव डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, उसको एक्नी हो सकता है, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं और इमोशनल सप्रेशन हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम उस बंदे को हो सकते हैं, ये वाल। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है इसको पुट अप करने में आपको 30 सेकंड ही लगेंगे, आपको ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये नहीं, जहाँ वो कहेगा ये है आप उस पर आप आ जाएंगे। और जब उसने कहा कि मुझे मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, तो आपको प्रिस्क्राइब करने में जितना टाइम, दवाई लिखने में जितना टाइम लगेगा, उसने कहा कि ये नाइट एम्बिशन है तो दवाई लिखने में भी जितना टाइम लगेगा, लव डिसअपॉइंटमेंट है तो इग्नेशिया लिखने में जितना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम। और ये वो फील्ड है, ये हालत है, ये बिल्कुल दुरुस्त है,
आप 2 घंटे मरीज को बैठा लें अपने पास, उसकी कहानी सुनते रहें और आप उसकी कहानी सुना अपनी सुनाते रहें, मामला यही निकलेगा। ट्राई कर, सारा दिन बैठाई रखें और फिर आ जाए मेरे इस लाइन पे, तो विद इन अ मिनट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मरीज को जब आप एक्यूरेट क्वेश्चन करते हैं तो मरीज का फेथ बड़ा डेवलप हो जाता है, कहते हैं यार डॉक्टर मेरे मर्ज तक पहुंच गया। वो पता है फिर आप कोई स्पिरिचुअलिज्म रखते हैं, आप कोई रूहानियत रखते हैं कि आप इतनी क्विक पहुंचे कैसे हैं? ये मरीज बड़ा परेशान हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि बंदा जो है ना मेरे उस पर पहुंच गया, और 50% से ज्यादा वो उसका माइंड बन जाता है कि जी मैं आप इधर स्टे करूंगा। मैं आपको बताऊं कि कई एक मरीज ऐसे हैं जो आते हैं ना तो वो मुझे ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हम दुरुस्त जगह पे आ। जब वो मैं एक एक दो दो तीन मिनट में मरीज फारग करता हूँ सामने में देख रहा था, कहते नहीं मैं आ गया अंदर, सेट हो जाता है उधर ही। हाँ उधर ही उसके फेस जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, कि नहीं यार सुख का सांस लेता है कि नहीं यार मैं जगह सही पे आ गया। समझ आई ना आपको? ये मैं फेस रीड कर रहा होता हूँ जब पेशेंट अपील होता है, मैं दूसरे को देख रहा हूँ, वो कहते हाँ नहीं मैं जगह सही। जब वो ये फील करता है कि मैं जगह डॉक्टर से ही के पास आ गया हूँ तो फिर उसका ये भी यकीन होता है कि अब मैं ठीक भी होता हूँ। फिर जो बात आप उससे करते हैं ना फिर उस पर वो यकीन करता है। जब आपने 2-3 स्टेप लिए और आप उसकी डिजीज पे पहुंच गए तो वो कहेगा यार इतने तो यूं मामला हल कर लिया। आई समय जब किसी अच्छे वकील के पास जाते हैं, किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी खराब हुई ठीक ही नहीं हो रही ठीक ही नहीं हो रही, उन्होंने कहा यार फलाने को जा रहे यार तेरी गाड़ी ठीक हो जाए, कोई वो एक मिनट यूं फिरता है सब चल मारता है, वो कहता है ओए बैरिंग में नुक्स है फलां में नुक्स है ये है जी चलो डिस्कें खराब है फलां टमका एकदम बता देते हैं ना, और नाड़ी मैकेनिक होगा गाड़ी की सत्यानाश मार देगा और गाड़ी पहले से भी खराब कर देगा। इसीलिए कैंट कहता है ना कि अनाड़ी डॉक्टर के सामने मरीज को चलाने का मतलब यह है कि कसाई अनाड़ी कसाई, एक होता है सही कसाई एक होता है अनाड़ी कसाई, खाल उतारेगा तो खाल जख्मी कर देगा, गोश्त इस तरह काटेगा कि खाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। लिहाजा सही जो डॉक्टर होता है वो उसको मरीज को भी अंदाजा हो जाता है कि यार ये बंदा सही है मैं सही आ गया। तो ये तरतीब है हमारी, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इसका तो हमने इलाज आपको पहले भी कुछ चीज़ों को बताया, ट्रीटमेंट मास्टरबेशन है तो आपने क्या करना है इसमें लगा हुआ ट्रीटमेंट। हाँ मैंने मास्टरबेशन का ट्रीटमेंट आपको पिछली दफा बताया था, क्या बताया था मैंने 3 दवाइयाँ बताई थी, बुफोस टैफी और एस्टिलागो। एस्टिलागो तो आंखें बंद करके देने वाली दवाई है ना मैंने कहा था, और ये ऐसी दवाई है कि जिसको आपको CM या 1 mg या 10 mg भी नहीं यूज़ करनी पड़ती, 30 में विद इन अ वीक रिजल्ट देती है, 30 ताकत में विद इन अ वीक रिजल्ट देती है, और बुफोराना बताई थी आपको। बुफोराना वो दवाई है जो मास्टरबेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मास्टरबेशन, मास्टरबेशन एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मास्टरबेशन के उसके बुरे असरात जैसे फिट्स पड़ना, एपिलेप्टिक। मैंने कई केसेस आपको पढ़े, इवन मैंने कहा था आपको कि एक बंदे के वार्स नहीं गिर रहे थे तो उसकी मास्टरबेशन की शीट में बुफर लगा के दी तो उसके वार्स गिरना शुरू हो गए। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ
मास्टर पेशेंट, मास्टर पेशेंट एस्टिलागो और स्टेफिसेक एरिया के बारे में मैंने कहा था कि उसको दुनिया जान जब दबाती है, जब वो अपने इमोशन को सप्रेस करता है, क्योंकि ये फेस नहीं करता, स्टेफिसेक एरिया बोलता नहीं है, बातें सहने वाला होता है, तो सहने के बाद जब इस पे इसका जो डायरेक्शन बनती है वो सेक्स की तरफ जाता है और ये उस वक्त मास्टरबेशन करता है। दवाइयाँ आपको और बहुत मिलेंगी लेकिन वक्त ज़ाया करें। आपने सेलिकस नाइग्रा की तरफ जाना है, आपने और कोनियम की, सेलिनियम की, फ्लान वो कोनियम, सेलिनियम, टेटिनियम, ये अलग है कहानी है, ये कहाँ काम करती है वो एक अलग है काम है, लेकिन जब हम इस पे करेंगे तो इस पे यही तीनों पे फोकस रहें, इधर उधर ना हो। 99% रिजल्ट देगी, 1% क्यों नहीं देगी, कोई म्यास्मेटिक कंडीशन भी आ सकती है, कुछ सोरेक कंडीशन आ सकती है, कुछ साइकोटिक, सिफिलिटिक, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, नाइट विजन, ये जो बुफो है ना, ये कॉम्प्लिकेशन है मास्टरबेशन, ये नाइट मिशन में भी काम करेगी। फिर नाइट मिशन स्क्यूटल एरिया, नाइट मिशन डेली या एक दिन छोड़ के या दो दूसरे दिन डायस्कोरिया, नाइट मिशन एशियन फास्ट चाइना, सिमिनल मिशन। वो कहते हैं कि मुझे कोई ख्याल भी आता है तो सिमिनल एमिशन, सिमिनल डिस्चार्ज होता है इन ड्रॉप्स, तो फिर वो है कोनियम, फिर है सेलेनियम, फिर है लाइकोपोडियम, फिर एसिड फॉस, बुफोराना, कालीब्रोमेटम, सिलीनियम के बारे में ये है कि सिलीनियम थॉट से, सोचने से भी सीमिनल एमिशन हो जाती है, कोनियम कन्वर्सेशन से विद द फ्योनसी, विद द वाइफ सीमिनल एमिशन, कालीब्रोमेटम इसके साथ साथ आती है। बड़ी दवाइयाँ हैं ये, और साथ अगर मास्टरबेशन है तो आप यूं भी कर सकते हैं, बुफो कोनियम दे सकते हैं, साथ मास्टरबेशन बुफो सिलीनियम दे सकते हैं, बुफो कालीब्रोमेटम दे सकते हैं। ये जो बुफो है ना, ये भी समझे मास्टरबेशन का मियाज़म है, और फिर इनहेरेंट भी मास्टरबेशन की हिस्ट्री मिलती है, इनहेरेंट भी मास्टरबेशन की हिस्ट्री मिलती है, याद रखें। जो केसेस आपसे कंट्रोल नहीं होंगे ना, आप कहेंगे जी वो तो कह रहा था 99%, आप क्या रह गया, फिर भी नहीं हुआ ठीक, केस मेरा फंस गया। हाँ फंसते हैं, ये बड़ी बड़ी मुश्किल साइंस है, ये बड़ी मुश्किल साइंस है भाई, और जिसने ये समझ लिया ना, मैं कह रहा हूँ सोना बनाने का गुर उसके पास आ गया,
जितना बना सकते हो ना इतना बनाओ। मैं रात 4 बजे उठा ना, मैं अगर 2 घंटे और भी बैठा रहता ना, मरीज बैठे हुए थे, मैंने कहा बस करो भाई, अपनी भेजो किसी को, पूरे 4 बजे मैं उठाऊ। तो जब ये आ जाएगा ना गुर, फिर सोना बनाने का गुर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना होम्योपैथी को सिंपलीफाई किया हुआ ना, वगरना आप कई लोग इस गोरख धंधे को जान के ना छोड़ ही जाते हैं, भाग जाते हैं, कहते हैं यार साढ़े पल्ले नहीं पैंदी, भाग जाते हैं। ये सिम्टोमेटोलॉजी का ऐसा गोरख धंधा है यार, आप 2000 दवाई की सिम्टोमेटोलॉजी कैसे याद रख सकते हैं? सोर्स है, सोर्स है, मंबा है, चश्मा किसका, फास्फोरस का है, फसलफर का है, किस इस सोर्स है, दरख्त कौन सा है, आड़ू का है, लाची का है, किस चीज का दरख्त है भाई? आप अंदाजे लगा ले, नहीं ये आड़ू होगा, ये कुर्बानी होगी, या लूचा होगा, ये सेब होगा, इस तरह तो नहीं होता ना भाई। सिंपल इज के आड़ू का दरख्त है तो उसपे तो आड़ू का ही आड़ू ही लगेगा ना। गुलाब के उसके पौधे पे गुलाब के फूल ही लगेंगे ना भाई। पीलिया होगा, जंडस होगा, तो ALT रेज होगा, ब्लू रिबन रेज होगा ना, तो आप उसकी जस्ट रिपोर्ट के रोके आप नहीं उसको समझ सकते कि इसको जंडस है। वो सिर्फ कहता है कि पीली स्किन देनी है, आँखियाँ कब पीलियाँ देखनी है, भूख नहीं लगती, यहाँ दर्द है भाई। यार ये सारी सिम्टोमेटोलॉजी है ना, आप इसको क्विक और आसान क्यों नहीं बनाते कि आप उसका टेस्ट जब देखते हैं तो या उस पर यार सिंपल है कि ब्लू रिबन अगर एक से बढ़ गया तो इसका मतलब है इसको तो यरकान है ना, अब यरकान की वजह ढूंढ के उसको दवाई दे दे। इस गोरख धंधे में ये जो असल में वजह ये है कि ये जो होम्योपैथी आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले किसी का एक आध क्लिनिक चलता था, मेरे शहर में 1-2 क्लिनिक ही चलते थे जहाँ तक मुझे पता है, जो मरीज देखते थे। डॉक्टर नूर मोहम्मद का चलता था, रियाज के बालक का, शरीफ का चलता था, एक आध कोई और चलता था, अब तो यार सैकड़ों चलते हैं। पढ़े लिखे लोग आ गए, वो दिमाग मार रहे हैं, कुछ ना कुछ हिम्मत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो हमने होम्योपैथी को सिंपलीफाई करने की एक, मैं आपको एक रास्ता ये बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया कि आपने यार एकदम जज करना है यार, अब क्या है क्या करना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप 2-4 घंटे की भी कहानियों से करते रहे ना, मामला यही निकलेगा, और रेपर्टरी छानते रहे दवाइयाँ यही निकलेंगी, लेकिन आप केस खराब कर देंगे, हिट एंड ट्रायल पे जाएंगे। लेक्चर में बैठना, आपने लेक्चर में बैठना यार, इधर चेयर लगा दो, नहीं इधर ही बैठा, ये रहा एक दो, आप इधर आ जाएंगे, आप इधर इधर बैठा, एक और लगा दें इसको, आप एक इधर लगा दें यार चेयर, एक इधर एक चेयर लगा, धंधा है। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी उस गोरख धंधे से जान सकूं, मैं आपको सीधे उस पे लगाऊं। असल में जो जिस चीज में जिसको खुद रिजल्ट मिल रहे होते हैं ना, वो तो दुनिया को नहीं बताता, उनको चक्रों में डालता है। और यार तू इंज कर रहा ना, सिम्टोमेटोलॉजी लो ना, ये करो ना, वो करो ना, फिर कुछ बताऊ ना, रिश्ता नहीं होता ना। और यार जो खुद करें वही बता दे, नहीं बताया, कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। अगर बताता तो आज तिथ की ये हालत ना होती। जिसका क्लीनिंग चलता होता तो मेरा तो चल रहा है यार, मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी को क्या बताता था। लेकिन हम चाह रहे हैं इस
इस दुनिया में अगर हम इनकलाब चाहते हैं, हम रेवोल्यूशन चाहते हैं, तो फिर हमें 2-4-5 क्लिनिक चलाने पड़ेंगे, फिर हमें लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। एक अली के क्लिनिक के चलने से रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, तब्दीली नहीं आ सकता। तभी आएगा कि सारे हर जगह से लोगों को फिर होम्योपैथी होम्योपैथी का शोर मच सकता है ना। इनहेरिट, अगर मास्टर बेशन इनहेरिट है और इनहेरिट ही होगी जब ये तीन दवाइयां काम नहीं करेंगी, ये याद रखना, तो फिर आपको कार्सिनोसन देनी पड़ेगी, फिर कार्सिनोसन आपको देनी पड़ेगी। अब आपने उसे पहला सवाल कर लिया, मास्टरबेशन का कर लिया, नाइट एम्बिशन का कर लिया, आपने उससे पूछ लिया सिमिलर एम्बिशन तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन बनता है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, अगला, और डिसअपॉइंटमेंट में आपको आपको सवाल करने की भी जरूरत नहीं, मजे की बात आपको बताऊं, आपको सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, आप पोस्चर देख के आप कह सकते हैं कि इसको डिसअपॉइंटमेंट है। मैं हाल में सबको खड़ा कर सकता हूं कि ये डिसअपॉइंटमेंट है। जिसकी नेक टेढ़ी होगी, जिसकी गर्दन टेढ़ी होगी, वो डिसअपॉइंटमेंट है। आजमा लें, 100 बंदा बैठा लें और उससे पूछें, डिसअपॉइंटमेंट होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इधर से उधर हो जाए। और दूसरा, ये कम मिलता है, ये जो अलामत मैं दूसरी बताने लगा हूं ये मिलती है, लेकिन ये कम मिलती है, बाद दफा नहीं मिलती, बाद दफा मिलती भी, लेकिन जब एक्यूट फेस में होगा तो फिर डेफिनेट मिलेगी, लेकिन नेक तो हेरिक में मिलेगी। कि अब बहुत सारे लोगों ने सीधी कर, नेक जो है लेकिन 5 मिनट में वापस जाएगी, ये मैं आपको बता दूं, कॉन्शियस रहेगा 5-10 मिनट कॉन्शियस रहेगा, फिर वापस जाएगी अपनी जगह। और इतना बड़ा क्रू है, इतना बड़ा क्लू है, इतनी बड़ी की है कि अब मैंने दुनिया को एक एक इतनी जबरदस्त पहचान दी है, दुनिया के किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, जाए छान मारें, किसी किताब में नहीं मिलेगी। मैंने 50 लाख बंदा देख के इसको निकाला है, और कोई माई का लाल और भी नहीं जिसने 50 लाख बंदा देखा होगा, और देखा होगा तो हो सकता है इधर ध्यान ही ना गया हो, अगर देखा होगा तो इधर ध्यान भी नहीं गया होगा। हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंस है, और ये कभी फेल नहीं होता, और इसके लिए इग्नेशिया भी कभी फेल नहीं होता। कितना आसान सा कहूं मैं, कहता हूं दुनिया जान के मसाइल उसके हल हो जाएंगे, सुखी हो जाएगा, सुकून में हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना सिंप्लीफाई। हम तो पोस्चर से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ उसमें नजर आता है, इंसान के जिस्मानी बैठने से, स्टाइल से, एंट्री से, गुफ्तगू से। दूसरा मैं बताने लगा था कि ये डीप ब्रीथ लेता है, लंबा सांस खींचेगा, गुफ्तगू करता जाएगा, 1-2-4 सेंटेंस बोलेगा, उसके बाद डीप ब्रीथ। बाकी अब ये तो फौरी पहचान, और अगेंस्ट द सिचुएशन होगा, अगेंस्ट द सिचुएशन होगा, मातम है तो खुशी की बातें करेगा, और खुशी है तो मातम की बातें, अगेंस्ट द सिचुएशन होगा, वो
उल्टा काम करेगा ना, अगेंस्ट द सिचुएशन होगा, माहौल के बिल्कुल अपोजिट होगा। कितनी देर लगती है? आप सिर्फ कहें कि मैं गम का इलाज करता हूं और इग्निशिया की शीशी लेके बैठ जाए, देखें रश कैसे पड़ता है। देखी जाए और लिखी जाए, देखी जाए और लिखी जाए, भाई ये तो ये मरीज तो बाजार में अनगिनत है, सिर्फ आपके पहचाने की जरूरत है। मेरा फलां तवीज बट्टी वाला इस मर्ज की तवीज देता है, फलां इस मर्ज का स्पेशलिस्ट है, तो यार आप एक इग्निशिया को ही समझ लें, आप डिसअपॉइंटमेंट को ही समझ लें, तो आप तो भूखे नहीं मर सकते। चल जाए बस पे, कहेंगे उसको देखें यार तुम्हें ये है बता के, तो दे जाए गोली इग्निशिया की, अगले स्टॉप पे उतरे आप 2-4 हज़ार रुपया लेके नीचे उतर जाएंगे, नहीं भूखे मरते। लेकर गुर आना चाहिए ना, गुर आना चाहिए, कुलिया आना चाहिए, समझ होनी चाहिए।